नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 15 मई 2018 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट जीके और स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस ऑफ द डे के आंसर मिल जाने चाहिए, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में सही आंसर लिख करके बताया था कल के वीडियो में। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि दिगंबरपुर ग्राम पंचायत कहाँ पर है, किस राज्य में है, जिसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जिन लोगों ने आंसर लगाया था उनका एकदम सही है। यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि दर्पण PLI ऐप किससे संबंधित है। यहाँ पर PLI का फुल फॉर्म ही हो जाता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऐप। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, बीमा पॉलिसी से संबंधित है। और यहाँ पर खंजर का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये मैंने आपसे पूछा था। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम में। और कौन से दो देश करते हैं, फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और किर्गिस्तान करते हैं। ये जॉइंट मिलिट्री की एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पर हुआ था, बाकायदा किसी ने ये लिख करके बताया है एग्जैक्ट प्लेस की कहाँ पर हुआ था। इतना डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि मिजोरम राज्य में हुआ था, 5वां संस्करण था खंजर का, और कौन से दो देश करते हैं, भारत करता है किर्गिस्तान के साथ। थोड़ा सा जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, एक बार फिर से इसको देखिए। लॉन्च डेट है 21 दिसंबर 2017 की। इसकी डेडलाइन रखी गई थी कि हम जो है पूरे जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको एकदम डिजिटली एडवांस कर देंगे। 1,59,000 के करीब पोस्ट ऑफिस का चयन किया गया था। ये किस मंत्रालय की योजना है ये भी पूछ सकते हैं। ये संचार मंत्रालय की योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसके मिनिस्टर हैं इस समय मनोज सिन्हा। इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई थी ये 21 दिसंबर 2017 को। और दर्पण का फुल फॉर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दर्पण का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ये हो जाएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, रेमिट स्कोप, प्रेषण बाजार और अवसर, एशिया और प्रशांत के मुताबिक कौन सा देश 2017 में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा देश सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त करने वाला देश बन गया है। भारत के लोग सबसे ज़्यादा अपने देश में पैसा भेजते हैं कुल मिलाकर, यहाँ पर ये वाली बात है। आप रेमिट स्कोप का नाम ध्यान रखना और ये ध्यान रखना कि भारत जो है वो सबसे अधिक पैसे प्राप्त करता है अपने देशवासियों से। सबसे ज़्यादा लोग भारत में पैसे भेजते हैं जो विदेशों में काम करते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर ये रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन आप लोग कभी मिस मत किया कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको पूरी अच्छी तरह से याद हों। यहाँ पर स्वर माउली, यहाँ पर माउली कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको माउली मिलेगा, ये पुरस्कार किसे मिला था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर को दिया गया स्वर माउली का पुरस्कार। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अब लता मंगेशकर जी ने बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं, ये कोई पहला अवार्ड नहीं है। इन्होंने फिल्म में बहुत सारे अवार्ड जीते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारे पुरस्कार जीते और भी बहुत सारे। तो यहाँ पर पद्म भूषण इनको मिला था 1969 में, भारत रत्न मिल गया 2001 में, दादा साहब फाल्के का पुरस्कार मिला था 1989 में, और पद्म विभूषण भी ये जीत चुकी हैं 1999 में। इनको पद्मश्री नहीं दिया गया, इस बात का ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं, कह सकते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा अवार्ड इनके द्वारा नहीं जीता गया है। तो लता मंगेशकर जी को पद्मश्री कभी नहीं मिला, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये बहुत नया नहीं है, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। अगर साहित्य की बात हो रही है तो सरस्वती सम्मान काफ़ी लेटेस्ट में है। सरस्वती सम्मान 2017 साल का किसे मिला, ऑप्शन नंबर बी सितांशु यशचंद्र को मिला है, ये गुजराती के लेखक हैं, वाखेर नाम की इनकी कृति है, इसलिए इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान 2017 का। बट अनाउंस हुआ था ये अप्रैल 2018 में, इस बात को ध्यान रखें, कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, 2017 में और 2018 में अनाउंस किया गया 2018 में ही, बट ये अवार्ड कब का है, 2017 साल के लिए। अब यहाँ पर रेल से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो लोग भी RRB का फिल किए हुए हैं इस बात को बिल्कुल देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बल्हार शाह और चंद्रपुर, इन दो रेलवे स्टेशनों को सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन का खिताब मिला है। इनको चुना गया था सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन, 11 जोन में से बहुत सारे स्टेशनों में सर्वेक्षण किया गया था, इनमें से इनको चुना गया है फर्स्ट नंबर पर। तो पहला ही हम लोग ध्यान रखेंगे, बाद में
मदुरई रेलवे स्टेशन को दूसरा स्थान मिला था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बल्लारशाह और चंद्रपुर दो मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है, ये किस राज्य में है हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ते हैं दोनों रेलवे स्टेशन, बल्लारशाह और चंद्रपुर। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि 2018-2019 के लिए स्वच्छ भारत मिशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16,500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है साल 2018-2019 में स्वच्छ भारत अभियान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हमें ये भी पता होने चाहिए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। सबसे पहले तो लॉन्च डेट, लॉन्च डेट है 2 अक्टूबर 2014 की। इसका स्लोगन ये नहीं है दोस्तों, स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर, ये यहाँ पर रॉन्ग टाइप हो गया, इसको आप नहीं देखें, एक कदम स्वच्छता की ओर है इसका ऑफिशियल स्लोगन। अगर आज की डेट तक हम बात कर लें तो 17 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर ODF घोषित हो चुके हैं, 100% ओपन डिफिकेशन फ्री इस समय तक 17 हो चुके हैं और इसकी डेडलाइन रखी गई है 2 अक्टूबर 2019 की। 2 अक्टूबर 2019 जो महात्मा गांधी जी का 150वां जन्मदिवस होगा उस दिन तक पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना इस अभियान का लक्ष्य रखा गया है। तो इस पर काफ़ी कार्यान्वयन किया जा रहा है इफेक्टिवली और हो सकता है कि हम लोग इसे डेडलाइन से पहले ही अचीव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने संयुक्त रूप से दो नगरों के बीच सीधी बस सेवा का उद्घाटन किया है, वो दो नगर कौन से हैं हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई वाला सही जाएगा, जनकपुर से अयोध्या के बीच बस सेवा शुरू की गई है। इसको हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने राम जानकी मार्ग बताया है, तो ये आप ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7th यहाँ का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसके बारे में मैं सारे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जल्द ही हैदराबाद पुलिस द्वारा स्थापित एक महिला सहायता केंद्र में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने वाला है, हमें बताना है कि इस सेंटर का नाम क्या है। हैदराबाद पुलिस द्वारा स्थापित किए गए सेंटर का नाम हमें बताना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला सही जाएगा, हैदराबाद पुलिस द्वारा स्थापित इस सेंटर का नाम है भरोसा। इसके बारे में पूरी डिटेल को समझेंगे। सबसे पहले तो भरोसा है क्या, भरोसा सबसे पहले है यहाँ पर सपोर्ट सेंटर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ये एक इनिशिएटिव है हैदराबाद पुलिस का। इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो इसका एम क्या है इसको समझेंगे। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कभी विजिट करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, डोंट री विक्टिमाइज द विक्टिम, यानी कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति का बार बार शोषण नहीं किया जाना चाहिए। जैसे वन स्टॉप सेंटर्स मैंने आपको बताया था खोले जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हैदराबाद पुलिस के स्पेशल वन स्टॉप सेंटर्स हैं। पीड़ित महिलाओं को, शोषित महिलाओं को सभी प्रकार के लीगल एड मिलेंगे, पुलिस के एड मिलेंगे, यानी कि पूरी तरह से उनको कानूनी सलाह दी जाएगी। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो वहाँ पर त्वरित उपचार किया जाएगा, मेडिकल एड मिलेगा, और अगर बहुत ज़्यादा मानसिक चोट लगी है किसी भी हादसे से किसी भी महिला को या बच्चे को तो सोशल साइको काउंसलिंग भी दी जाएगी वहीं पर एक ही छत के नीचे 24/7। कुल मिलाकर ये है भरोसा इनिशिएटिव हैदराबाद पुलिस का। अगर कुछ केसेस में महिला की जान को खतरा है तो पूरी तरह से उसकी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी, जब तक केस चल रहा है पूरी तरह से उनको प्राइवेसी दी जाएगी और सुरक्षा दी जाएगी पुलिस की। आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे, आज भी मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर जरूर करें। BBC का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जनवरी 2018 में अनाउंस कर दिया गया, ये किसे मिला आप लोगों को लिखकर बताना है कमेंट्स में। अजय वारियर के नाम से कौन से दो देश युद्ध अभ्यास करते हैं, ये आपको लिखकर बताना है, और इम्परफेक्ट नाम की किताब के लेखक कौन है, ये आपको लिखकर बताना है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म हो जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को या तो डिसलाइक करें या तो लाइक करें, अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्वेश्चंस ऑफ द डे के आंसर करना मत भूलें। हम लोग दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।